आज की स्टूडियो को हमारा टॉपिक है कि आप अपनी वीडियोस में पिक्चर्स में ब्लर इफेक्ट कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत से हेल्पिंग टूल्स अवेलेबल हैं, तो जो आपको इजीस्ट लगे वो आप बता सकते हैं। बस इस वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन दूंगी जो कि ब्लरिंग इफेक्ट के लिए बहुत बेस्ट है। आपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है ऑटो ब्लर एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है ऑटो ब्लर, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपके पास एप्लीकेशन का इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। अब यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि आपने पेट्रोइड लेना है या लैंडस्केप लेना है, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पेट्रोइड मोड ले लेती हूँ, अलाउ कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्लर इफेक्ट यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपने ना कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। लेट्स से मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली पिक्चर को एनालाइज करेगा, देन उस पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट्स लेता है इस तरह से। ठीक है, पहले एनालाइज होगा, उसके बाद ऑटो ब्लर हो जाएगा। ये देखिए ब्लर इफेक्ट हो गया, आपको फील हो रहा होगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर हैं, वो फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये फिल्टर इफेक्ट अप्लाई करती हूँ, इसमें ब्लरिंग जो है ना वो टेक्सचर फॉर्म किया गई है, ठीक है। तो ये जितने फिल्टर हैं ना वो ब्लर के ही फिल्टर हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी एक पार्ट पे फोकस करना है तो यहाँ ब्रश पे क्लिक करना है, ड्रा फोकस एरिया मोड, ठीक है। तो आपने डन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा कि जो एरिया हमने मार्क किया है ना तो वो फोकस हो जाएगा ज़्यादा। देखिए वो एरियाज जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो गए, फोकस हो गए। तो इस तरह से ब्लर इफेक्ट आपने कर लिया, अपने पिक्चर की वीडियो को एडिटिंग कर लिया, उसके बाद जस्ट सेव के बटन पे क्लिक कर देना और ये ऑटो आपकी सेव हो जाएगी गैलरी में। तो ये क्लियर हो, मतलब डाउनलोड हो गया, इसको मल्टीपल शेयर भी कर सकते हैं।
यहाँ पे शेयर के बटन पे जाएं तो हमारे पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाती हैं।